नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा आज में। और आप देख रहे हैं पंचकुला सेक्टर 5 परेड ग्राउंड से हमारे डीओ सर। जैसा कि आज विभिन्न स्कूलों द्वारा यहां पर बहुत ही अच्छी और मनमोहक झांकियाँ दिखाई गई हैं, तो उसके बारे में सर आप बच्चों को कोई शुभकामना संदेश या कोई उनके लिए कोई प्रेरणा स्रोत कोई शब्द कहना चाहेंगे? बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वो उनकी अथक मेहनत का परिणाम था, जो पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए मैं बच्चों को, उनके अध्यापकों को, प्रिंसिपल साहिबा को, उनके अभिभावकों सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिनके कलेक्टिव परिश्रम से इतने अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया। आइए जानते हैं डिप्टी डीओ मैम से परेड ग्राउंड पंचकुला में जो बच्चों ने झांकियां दिखाई उसके बारे में। मैम सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम सुनीता, डिप्टी डीओ पंचकुला। मैम आज ये जो कलाकृतियां बच्चों ने यहां पर प्रस्तुत की, सुंदर सुंदर झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो दिखाए गए हैं उसके बारे में बच्चों के लिए थोड़ी सी अभी तक। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कितने दिनों से उसके बाद से काम कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत बच्चों ने की है कि आज हम देख रहे हैं कि ये मेहनत बच्चों की सफल हुई है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि हम नेक्स्ट डे की छुट्टी मतलब हम ये जो छुट्टी है वो छुट्टी कर देते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि कल परीक्षा पे चर्चा है मोदी जी की तरफ से। तो अब चंडीगढ़ पंचकुला सभी को ये है कि कल सब स्कूल जाएंगे और परीक्षा पे चर्चा है। बच्चों की बहुत ज़्यादा टीचर्स जो ये सब जैसा कि कोरोना के बाद बहुत लंबे कार्यकाल के बाद और ऊपर से मौसम का ठंडा मिजाज और उसके बाद भी बच्चों के अथक प्रयास जो इतनी मेहनत बच्चों ने की है, तो उसका श्रेय आप किसे देते हैं? उसका श्रेय हमारे साहब, इन्होंने यहाँ पे एक टांग पे खड़े होकर मैं कहूँगी इस तरह से खड़े होकर इन्होंने इतनी मेहनत करी है और हमारे बाकी प्रशासन को सारा लगा हुआ था और हमारे सारे स्कूल की जी देखा आप सभी ने जैसा कि अथक प्रयास यहाँ पर सभी को श्रेय जाता है, शिक्षा अधिकारियों को जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर ये मुकाम हासिल किया है। तो बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हरियाणा आज की टीम से। धन्यवाद।